Welcome students, today we will discuss about morning walk and my country, okay? So please open your books, page number 267. Listen please. Morning hours are very refreshing. जो सुबह सुबह का टाइम होता है, सुबह सुबह के घंटे होते हैं, वो एकदम फ्रेश करने वाले होते हैं. Nature is at her best at that time. उस समय प्रकृति अपनी पूरी छटा पे होती है. A morning walk is a light exercise. सुबह की जो सैर है वो एकदम से बिल्कुल एक्सरसाइज है, बड़ी लाइट से एक्सरसाइज है, कसरत हो जाती है. इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए सुबह की सैर बहुत अच्छी है. इट रिफ्रेशेस बोथ माइंड एंड बॉडी. माइंड को भी फ्रेश करती है और हमारी बॉडी को भी, हमारे शरीर को भी फ्रेश करती है. इट गिव्स अ गुड एपिटाइट एंड प्रोलॉन्ग्स लाइफ. इससे हमें भूख भी अच्छी लगती है और हमारी ज़िंदगी को ये क्या लंबा कर देती है और बढ़ा देती है. आई एम एन अर्ली राइजर. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. आई गो आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे. हर रोज़ मैं सुबह सैर पे जाता हूँ. माई फ्रेंड, यहाँ पे किसी का भी नाम लिख सकते हो जो जो आपका फ्रेंड हो. माई फ्रेंड आल्सो गोज विद मी. मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, मित्र, जिसका नाम लिखना है वो लिख दीजिए, मेरे साथ जाता है. वी गो टू द कैनाल. हम कैनाल के पास जाते हैं, नदी के पास जाते हैं, छोटी सी नहर है. वी सेट आउट बिफोर सनराइज. सनराइज मीन सुबह सूर्य निकलने से पहले ही हम अपनी मॉर्निंग वॉक शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं. वी कम अक्रॉस मेनी पीपल ऑन द वे. रास्ते में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं. वी सी फार्मर्स. हम रास्ते में क्या देखते हैं, किसानों को देखते हैं. कैरिंग बास्केट्स ऑफ वेजिटेबल्स टू द मार्केट. जो कि मार्केट में जा रहे हैं क्या करके, वेजिटेबल्स की, मीन अपनी जो सब्जियां उन्होंने उगाई हैं उनकी बास्केट्स को लेके, बास्केट्स में सब्जियां डाल के वो बाजार जा रहे होते हैं. वी मीट मिल्क मैन ब्रिंगिंग मिल्क फ्रॉम द विलेजेस. रास्ते में हमें दूधी भी मिलते हैं जो गांव से दूध लेके जा रहे होते हैं. वी सी द फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड्स. हम रास्ते में और क्या देखते हैं, हम किसानों को देखते हैं जो कि खेतों में काम कर रहे होते हैं. वी हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. उस समय पक्षी क्या चहचहा रहे होते हैं, उनका जो म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है. पक्षी उस समय चहचहा रहे होते हैं. अ कूल ब्रीज ब्लोस. क्या सुबह सुबह आपने देखा होगा, जब कभी आप सैर पे गए हो तो सुबह सुबह जो हवा चलती है बहुत अच्छी होती है, एकदम से ठंडी होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है. इसीलिए बोला जाता है कि सुबह की सैर की जाए. Everything looks gay and fresh. हर कोई उस समय क्या एकदम से फ्रेश दिखाई देता है, बड़ी खुश दिखाई देते हैं. Birds sit on the branches of the trees. उस समय क्या है, जो पक्षी है वृक्षों की शाखाओं पे, उनकी ब्रांचेस पे बैठे होते हैं and sing merry notes. और बड़े प्यारे प्यारे अपने गाने गाते हैं. आप देखते हैं सुबह सुबह उनकी आवाज़ आती है, कोई कोयल की आवाज़ आ रही है, किसी और स्काई लार्क की आवाज़ आ रही है, बड़ी अच्छी आवाज़ अच्छी लगती है, प्यारी लगती है. ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रीन ग्रास बिगिन टू शाइन लाइक पर्ल्स. सुबह सुबह आपने देखा होगा जो हरी हरी घास होती है उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स बने होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स बने होते हैं, उनको ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं. उसके जो बिंदु बने होते हैं तो वो बड़े प्यारे दिखाई देते हैं. क्योंकि उस समय थोड़ी थोड़ी सूर्य की रोशनी निकलती है तो उसमें शाइन करते हैं, वो ऐसे लग रहा है
जैसे कि बड़े प्यारे मोती हों। तो उस समय क्या करते हैं, वही ऑफर प्रेयर्स टू द ऑलमाइटी। उस समय हम वहाँ बैठ के भगवान से प्रार्थना की प्रार्थना भी करते हैं, उसमें नहाते भी हैं, अगर नहा रहे हैं तो छोड़ दो, जो लाइन जरूरी नहीं है। वी आल्सो वी एंजॉय आवर सेल्स इन द ओपन फील्ड एंड रिटर्न होम रिफ्रेश्ड। तो हम जो एकदम से खेत उस समय खाली होती हैं, जो फील्ड होते हैं खाली होते हैं, तो हम वहाँ बहुत आनंद उठाते हैं और फिर उसके बाद एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद हम क्या करते हैं, घर वापस आ जाते हैं। आई फील हैप्पी एंड चीयरफुल ऑल द डे। सारा दिन, क्योंकि सैर की हुई होती है इसीलिए सारा दिन मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। आई कैन नॉट मिस द मॉर्निंग वॉक एट एनी कॉस्ट। कहते हैं किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट मीन किसी भी कीमत पर मैं सुबह की सैर को छोड़ नहीं सकता, मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि सुबह की सैर बहुत आनंद देती है, हमारे माइंड को फ्रेश करती है, हमारी बॉडी को फ्रेश करती है, हम खुश हो जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे हम पक्षी देखते हैं, कैनाल पे जाते हैं, ये शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे सेंटेंस अगर भूल भी जाए तो हिंदी अगर याद है तो आप उसके छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके, विल मीट अगेन।